I'm in the tap holes. Yeah, there's a lot of tap holes. You've been up here before? I'm from India. I'm just going to say where I went in January. You were eating in the He's busy. Hi. Wow. इस गांव में अगर मेरा घर होता है तो बहुत रिस्की है. गाड़ी इधर साइड में यहाँ पे है, घूम के आगे आराम से ना. रिस्की है इधर आराम से. ये स्लीपी है थोड़ा सा. लाइक एवरीथिंग, खाने पीने का, क्योंकि रात को रुकना भी है. हम लोग यहाँ पे हैं, सो हमने सामान ले लिया खाने पीने का, रात का जुगाड़. बहुत लंबा रास्ता चूज कर लिया, दो लोकेशन कवर कर लिया. बस वो है जिससे आपको पूरा ये डिस्ट्रिक्ट घुमाया. अभी कल मंडे था, कल के दिन में काफ़ी अच्छा धूप था, काफ़ी अच्छा धूप था. और यहाँ का वेदर ना समझ नहीं आता मेरे को, ऑलमोस्ट एक साल होने वाले हैं, कभी नहीं समझ पाया. अभी कल वेदर था अच्छा, कल धूप था और आज अभी वापस से बादल, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया. तो अभी मैं ट्रेन में आ गया हूँ. बहुत कन्फ्यूज़न था, बहुत मेरे को तो बहुत कन्फ्यूज़न हुआ, टिकट एंड देन गेट नंबर सारी चीज़ें. अभी मैं ट्रेन में हूँ एंड काफ़ी भरा हुआ है पूरा, तो मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, हेजिटेशन. International, Hampton in Arden, Berkswell, Tile Hill, Canley, Coventry, Rugby, Long Buckby, Northampton, Wolverton, Milton Keynes Central, Letchley, Leighton Buzzard, Watford Junction, and London Euston. जिस लोकेशन पे मेरे को आना था मैं उस लोकेशन पे आ गया हूँ. अभी दोस्त का वेट कर रहा हूँ. एंड बस में क्या होता है कि जब भी आप टिकट लोगे तो आपको या तो आपके पास ऐप होना चाहिए या तो फिर डेबिट कार्ड या ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए. टैप करोगे स्लिप मिलेगा. तो दो थ्री टाइप्स के मतलब टिकट होते हैं. एक सिंगल जो एक साइड आप जा सकते हो आ नहीं सकते. एक होता है डे सेवर जिसमें आप £4 का लेते हो एंड देन उसको आप यूज़ कर सकते हो पूरे दिन में किसी भी बस में जाके. और अगर आप मोर देन 5 पीपल हो देन एक £8 का आता है, 8 point something का आता है वो टिकट होता है. एंड उसमें आप कहीं पर भी बैठो आपको प्रेस करना होता है कि मतलब बटन होता है. अपने इंडिया में भी होता है बस के अंदर बट उतना हम यूज़ नहीं करते, वो यूज़ में होता नहीं है. यहाँ पे मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं, फिर बस ऑटोमेटिक रुकती है, बस स्टॉप पे ही रुकेगा, बस स्टॉप के अलावा कहीं नहीं रुकेगा. मैंने इसको याद अपने स्टार्टिंग के व्लॉग में देखा होगा कि मेरे साथ वो था उस टाइम पे. फिर वो उसका कहीं मूवमेंट हो गया, वो चला आया. अभी फिलहाल मैं कोवेंट्री में हूँ, उसका घर नैनीटन में. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैं उसको बोला था कि 1.5 घंटे का रास्ता है, उसके बाद मैं आया तो मैंने उसको बोला कि जिम करूंगा डायरेक्ट. तो मैंने जिम किया वापस, वर्कआउट की. मैं अपना साइकिल लाना भूल गया था. तो अभी थोड़ा डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस था जेडी जिम के बाद. आप प्योर जिम था वो, बेसिकली फर्स्ट टाइम गया था मैं. इक्विपमेंट का प्रॉब्लम था, चीज़ें अनऑर्गेनाइज थी, मतलब सही नहीं लगा मेरे को उतना. मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा. सो मैंने वर्कआउट फिनिश की, उसके बाद अभी उसको कुछ काम है तो गया है वो लेने के लिए. हमारे प्रोटीन का जुगाड़ करते हुए हमारे भाई साहब. क्लब कार्ड एक्सेप्टेड होने के बाद भी ऐसा है? हाँ तो क्या दिक्कत है? ओके, नौ बज रहा है ना. थोड़ा सा अपने ऑडियंस को दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे सुबह हो रहा है कि रात हो रहा है. सो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा अभी कि आप लोग गेस करो कि ये रात हो रहा है या सुबह के लाइक कितने टाइम हो रहा है. 9:11 हो गए. चलो हम गाड़ी थोड़ा अपनी आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं जरा. स्टार्टिंग में आए थे
तो रात को 11 बजे तक हम कहाँ बैठे थे, वो नाली थी ना, नाले पे पानी पी रहा था बैठ के। सो देख रहे हो, रात को 9 बज रहे, 9:12 और यहाँ पे भी मौसम कैसा है, ये तो बादल है इसकी वजह से लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा, नहीं तो कोई बादल नहीं होता ना तो प्रॉपर धूप होता अभी। पहली मॉर्निंग है, काफी अमेजिंग प्लेस है, बारामुडा या ऐसा कोई करके एक गांव है, पेड़ सो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, पीक डिस्ट्रिक्ट करके नाम है नेशनल पार्क, सो हम लोग वहाँ पे रात को रुकेंगे। तो रात को रुकने के लिए हमारा सब कुछ प्लानिंग चल रहा है, हमने सारा सामान ले लिया है, ये सारा सामान है, मिल्क एवरीथिंग, खाने पीने का, क्योंकि रात को रुकना भी है। अगर एक वाटर कार के पीछे दिखाता हूँ, हमारे पास रजाई, अंदर और भी सामान पड़े हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लाइफ का पहला होगा कि हम लोग रात को रुकेंगे पूरे पहाड़ों के बीच में। अभी ये भी रख रहा हूँ साथ में, इसके पास दूसरा कार है ये वाला, ये मुझे बहुत फेवरेट है, मतलब अच्छा लग रहा है, इससे जा नहीं सकते क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, तो हमने बड़ा वाला डिसाइड किया ले जाने के लिए। नाउ वी आर रेडी टू गो, अभी वहाँ पे जाने के बाद ठंड बहुत है, सो लेट्स सी कैसा टेम्परेचर। पहली बार कि मैं कहीं पहाड़ों में जाऊँगा, जो मेरा बहुत पहले का मन था कि कहीं ट्रैकिंग करूँ, जाके रात भर रुकूँ, इन्जॉय करूँ, सो पहली बार होने वाला है। वैसे भी मेरा एक हफ्ते का ऑफ मिल गया था, तो मेरा कोई प्लान नहीं था ये सब, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि आजा मेरे साथ चलते हैं कहीं पर, सो दिस इज़ अनप्लान्ड, लेट्स सी। और मतलब कहीं और सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो अच्छा, मेरे से मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चलो इंडिया आना तो कभी मिलना मेरे से। मेरे को ये लग रहा है सिटी है, से आपको पूरा ये डिस्ट्रिक्ट घुमाएगा, पैसे चार्ज करेगा ना, 18 pounds? Yeah, 18 pounds. What a nice view, bro. Look. So, 2.5 hours की ड्राइविंग के बाद कैसा लग रहा है आपको? Feeling tired. Feeling tired, yeah? But excited. वेलकम बैक अगेन, हम जंगलों में आ चुके हैं। ये कौन सा जगह था हमारा? हम लोग यहाँ पे हैं। ये देखो, film in the tap holes. Yeah. There's a lot of tap holes. You've been up here before? No, this is my first time. How is it? Yeah. Maybe this is the second car, the Porto. Yeah. How were you? Like, have you ever been like before this? Well, I came about a month ago and there was loads and loads and loads of tap holes in there, which I ain't seen for years. You don't see them no more. Oh. There's a few left in there, you know, they turn to frogs. Yeah. So I just thought I'd come and film them. Nice. So, सो लाइफ का ये मेरे पहला, ऊपर कुछ लोगों ने टेंट लगा रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे, इन लोगों ने कैंप लगा रखा है। हमारे पास ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो हम लोग ऐसे चले आए, क्योंकि मेरा पहली बार, इनका तो बहुत बार हो चुका, बट ये उतना प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मेरा अचानक से प्लान था कि चलना है तो मैं गाड़ी के अंदर कंबल में ओढ़ के कहीं भी सो सकता हूँ। ये मेरा प्लान था कि हम चलते हैं कहीं ना कहीं,
तो अचानक से चल दिए। माय गॉड। और पता नहीं मेरे फोन में ये दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, मेरी आंखों से जो दिख रहा है ना वो मैं बता नहीं सकता। अमेजिंग यार, अपने लाइफ में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। यहाँ पे जिसका घर होगा ना कितना सुकून से होगा। वार्निंग, अच्छा बुफेलो को वार्निंग है। इट्स अ फार्म। या मेरे को उतना ऊपर जाना है, अभी कल जाऊँगा, आज तो रात को इधर स्टे करना है ना। जूम करता हूँ, देखता हूँ होता है। दिख गया नहीं दिख रहा? हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। ए लुक, उन लोगों को मजे हैं वहाँ पे। आज वर्कआउट हो रहा है हमारा। वाओ, ना बढ़िया चांद का व्यू आ रहा है। वाओ, सबसे बेस्ट व्यू इनका आ रहा होगा यहाँ पे, सबसे बेस्ट। तभी ठीक है यार अपने लिए। हाँ तुम्हारे पास। हाँ क्या बात कर रहे हो? तो गाइस हमने ये सब ले लिया है रात को खाने के लिए, ये वीगन। हम लोग 14 माइल फिर से आए हैं यहाँ पे ड्राइव करके पानी लेने, पानी के चक्कर में वापस हिस्सा लेना पड़ा क्योंकि ज्योति ने हमें ऐसी दुविधा में डाल दिया था। ज्योति ने, और वो दुविधा हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। बड़ी गलत दुविधा थी ये, तो सोचने का विषय। जैसे देखो रात को एक ही बहुत दूर तक खुला था और कहीं खुला नहीं था। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बॉस। हमारा मिल्क को कोल्ड रखने का तरीका, ओपन हो जाए यार आइस वाटर के साथ। कॉफी बीन्स भी है। हाय गुड मॉर्निंग। सो ये हमारा रात के बाद का पहला दिन। सो रात को मैं सोया, यहाँ पे हम लोग गए पहले सैंडविच लेने, हम सैंडविच खाए नहीं, फिर वापस से हम लोग सोए। तो मैं भाई को बोला कि मैं आगे सो जाऊंगा और आप पीछे आराम से बेड बना के सो जाओ। तो मैं भी सो गया, वो भी सो गए। रात को मेरे को अचानक से ठंडी लगने लगी, वो भी पैर वाले हिस्से में। सी हमारी कॉफ़ी रेडी है, हम लोगों ने पूरा जुगाड़ कर रखा था, मिल्क को आइस वाटर में डुबो रखा था सो दैट मिल्क ख़राब ना हो। कॉफ़ी हमारे पास इंस्टेंट कॉफ़ी ऑलरेडी पड़ी हुई थी इसमें, और घर से लेके आए थे। हनी है जिसकी जगह पे हम शुगर की जगह पे हनी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी हमारा रेडी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, एक बार ट्राई करो। आ जाओ, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है अच्छी। फर्स्ट सिप में बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा। चीयर्स मेट। फर्स्ट सिप में बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा। Awesome. बट ठीक है, पूरे दिन में एकदम एनर्जेटिक रहोगे। तो एक अच्छे व्यू के साथ, व्यू इधर देखो,
अभी यहाँ से भी मूव करना है अपने को। आई थिंक आज अपन को ये वाला ट्रैक करना चाहिए ऊपर ऊपर का इधर साइड का। नहीं नहीं ये तो अपन चलेंगे, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो 15 माइल अवे है, यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा इसके लिए, तब टाइम सेव होगा, फिर पहाड़ी एरिया भी हमारे पास। हम लोगों ने रात को गए थे ये सैंडविच लेने, क्योंकि ये सही है कि ख़राब है? एकदम परफेक्ट है ये, पक्का वेज सैंडविच है ये। कौन सा फ्लेवर? स्पाइसी एंड स्वीट फ्लेवर है, ब्राउन ब्रेड। स्मेल से तो ठीक लग रहा है, खराब नहीं हुआ है। ये कॉफी मैं पी नहीं पाया, मैं जो कॉफी लवर हूँ, ये भाई साहब पूरा पी गया एक बार में। ये भी कॉफी मांग रहा है ये, मालूम है कोल्ड कॉफी है, मेरे से पिया नहीं जा रहा। गाइस हम लोग रेडी हो रहे हैं अब ट्रैकिंग के लिए। पीछे का मौसम आप देख सकते हो कितना बढ़िया हो रहा है, क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है ये। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि धूप होगा, बट धूप नहीं है, अगर बारिश हो गई तो बुरा हो जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है इधर से बादल क्लीन हो रहा है उधर साइड से, तो हो सकता है कि धूप हो जाए। मैं इसलिए इसको इसीलिए पहन रहा हूँ क्योंकि ये गर्म करता है बहुत। ठीक हो गया ना? हाँ, कंधा पीछे हो गया पूरा, कंधे पीछे हो। ये देखो चारों तरफ हम लोग पहाड़ों में अटके पड़े हैं, पूरा पहाड़ देखो। जितना नज़दीक जा रहे हैं ना हम लोग, ये पहाड़ उतना बड़ा होता जा रहा है। मैं रात को लोमड़ी आया था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आया था और हमारे विंडो के पास में ऊपर की साइड में से चढ़ा तो था, मैं सोया हुआ था, फिर अचानक से नींद खुली, मेरे को ठंड भी लग रहा था, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि आप सोए हुए थे उस टाइम पे। हम लोग कहाँ से चढ़ रहे हैं? रिस्की, यहाँ से, यहाँ पे बहुत रिस्की है, आराम से आना देख के एकदम। छोटा सा पाउंड, ये देखो। हाँ हाँ नहाने का जुगाड़ हो गया, आज जा रहे हैं आगे धीरे धीरे। भाई कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? अमेजिंग। सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है? ना ना, जितनी ऊंचाइयों पे जाओगे सांस लेने की दिक्कत होगी। एक बार मैं इधर देखो, क्या प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत रिस्की प्लेस है एकदम, अभी हम रिस्क पे जाने वाले हैं क्योंकि हमें वापस से ऐसी चढ़ाई करनी है। यहाँ से अगर हम गिरेंगे ना, जो रिस्क आने वाला है वो यहाँ से ऐसे जाओगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो बेसिकली पूरा इस तरीके से ढलान है तुरंत डाउन साइड में, तो ऐसा करके चलना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चलती हैं। भेड़ बकरियाँ चलती हैं। वाह। सॉरी। इधर बैठ सकते हैं इधर। अच्छा। ये देखो ये फैल गए हैं। ये देखिए मिश्रा जी फैल गए हैं। गौर से देखिए इस आदमी को, ये फैल गए हैं। ऐसा दिख रहा हूँ ना? चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। बेस्ट व्यू। हम लोग किधर से आए थे? हमारी कार वहाँ पे कल रात को इधर साइड में पार्क किया था, अभी जा रहे हैं। लेट्स गो। चलिए मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कुछ और। अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जब मैं छोटा था, 5 या 6 साल का, नहीं 5 या 6 क्लास में था मैं जब, तो आपको भी अगर याद होगा तो याद होगा, जब हम लोग नोटबुक बनाने के लिए कोई अच्छा सा वो खरीदते थे, नोटबुक पहाड़ों का लेते थे, तो हाँ उसके ऊपर जो कवर होता था, कवर के ऊपर सो जो बढ़िया बढ़िया घर जो मतलब पूरे पहाड़ों के बीच में होता था, वैसा हम लोग लेते थे, देखने में अच्छा लगे। तो आज अपने लाइफ में अपने आँखों से देख रहा हूँ मैं वो सारी चीज़ें, बड़ा सुकून सा मिल रहा है। हल्सो यू, ये वही सारी चीज़ें, पहाड़ों के बीच में घर। हाय हाय हाय। सो ये वो वाला व्यू है जो हम लोग बचपन में बुक खरीदते थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था, छपा हुआ होता था प्रिंटेड, बेस्ट व्यू के साथ। ये वो वाला व्यू है, इतना सुकून लग रहा है ना। मेरे को याद है मेरा एक्सपीरियंस बचपन का, कि मैं देख के मेरे मन में रहता था मैं जाऊँ घूमने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, और हमेशा से मेरा ड्रीम था देखने का। अभी वहाँ पे जाऊँगा नहीं, यस काफ़ी दूर तक, ये पूरा प्रॉपर गांव है, गांव के बीच में ये सारा ऐसा चीज़ें हैं। तो अभी आगे भी दिखाता हूँ मैं। वाह, इस गांव में अगर मेरा घर होता मैं तो दिन रात इधर ट्रेन ही देखता रहता यार। वाह, चलते हैं यार उसके नीचे। यहाँ के रोड ऊपर चढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। लुक,
इस पे चढ़ने में सबसे हालत ख़राब होगी। सो हम लोगों ने डिसाइड किया, पहले तो मैंने डिसाइड किया, भाई ने मना कर दिया था कि हमें वहाँ पे जाना ऊपर। सो हमारा ट्रैक चालू है, अभी हम वहाँ जाके व्यू दिखाते हैं आपको कैसा होता है। भाई चल रहे ना पक्का? चलो तो चलते हैं। हम लोगों ने आधा से ज़्यादा कवर कर लिया। भाई थक गए? नहीं थके। हाँ देख सकते हो पूरा व्यू। हाँ अमेजिंग यार। सो थोड़ा सा और रह गया है, ये रह गया जहाँ से बहुत दूर लग रहा था, अभी अपन ने बहुत जल्दी कवर कर लिया, बहुत नज़दीक लग रहे हैं। हम लोग एकदम वहाँ पे थे तब स्टार्ट किया था, अभी इतना नज़दीक लग रहा है। उधर से अपन मे भी डाउन जाके रास्ता है, बट भाई बोल रहे कि नहीं है, वहाँ से रास्ता अपने कार के पास पहुँचने का, तो हम पहुँच सकते हैं। तो अभी देखता हूँ, ये भी अभी मिस्टीरियस है, बाकी मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ के लिए कि व्यू कैसा होगा वहाँ से। और फ़ोन भी मेरा डेड है, तो दूसरा औजार निकालूंगा जो कि ये म्यूज़िक बजा बजा कर उसको ड्रेन कर रहे हैं। हाँ लेट्स गो, कैसा होता है सबसे बेस्ट एंड हार्ड ट्रैक चढ़ने का। कम ऑन मैन, ऊपर। हाय, हाउ इज गोइंग योर ट्रिप? इट्स गुड। Yeah, very good. Are you enjoying yourself? Yeah, I've been. I'm from India. I'm just going to Sue. I went in January. Oh, you went? Yeah. How was that? It was brilliant. Absolutely amazing. So what was that part where you visited? I did the Golden Triangle and Ranthambore National Park. Oh, amazing. It's down nearby my place. Yeah. All right. He's from there. And we were really lucky in the park. We saw a mother tiger with three cubs. Oh. And then in the afternoon we went back and we saw a huge male tiger. Now India temperature is almost 50 degrees. Oh, I know. That's why I went in January. You are clear. And you thought coming here would be warm, but it isn't. Yeah. Here for? Not just a holiday, man, just really. Have a good day. Have a good day, you too. Thank you. It's a very hard part. मेरा गला ड्राई होने लगा। दौड़े? It's very risky, bro. The best view, bro. हम लोग पहुंच के अभी भी रह गया बहुत ऊपर, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद व्यू। ये नौटंकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत हमने रास्ता गलत चूज कर लिया। रास्ता इधर से ऊपर से था, बट हम लोगों ने देखा शॉर्टकट है कार के पास जाना, और भी लोकेशन पे जाना है हम लोगों को। देखो कैसे उतरे हैं, उतर रहे हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया जाने के लिए, है तो बहुत रिस्की है। हाँ बाकी लोग नॉर्मल घूम रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा तूफानी करते हैं। माउंटेन ड्यू पिया आपने? लाइफ का एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और आज की वजह से मैं अभी बार बार ट्रैवल करूँगा क्योंकि मज़ा आ रहा है। लोग हो सकता है अकेले भी घूमूँ। भाई इधर कितना बढ़िया व्यू आ रहा है देखो। हाँ ओ भाई, ओ आप समझ में आए, इसके ऊपर बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। भाई पकड़ना चाहिए था यार, थोड़ी दूरी चलना चाहिए था। मैं पे कर देता एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे। अच्छा नीचे से मैं सोच रहा था कि यहाँ पे चढ़ना है इधर, पर इधर नहीं जा रहे, अब हम चढ़ रहे हैं इधर से। बहुत रिस्क भाई। सो हमारे पीछे का व्यू ऐसा है, देखो बाकी हमारे पीछे कैसा है ये देखो पूरा। या लोगों को भी कह रहा हूँ, उन लोगों ने बहुत लंबा रास्ता चूज कर लिया जो कि वहाँ पे कुछ था नहीं। हम लोगों ने देखा, मेरा नीचे से मन था कि बार बार इसको ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है। हम लोग ऊपर गए, उसके बाद डायरेक्टली नीचे का रास्ता ले लिया यहाँ से शॉर्टकट। है रिस्की
बट मजा आ रहा है। अभी और भी नीचे रह गया, देखना बहुत नजदीक लग रहा है। सो हमने दो लोकेशन कवर कर लिया, अभी हमें हमारे पास 7 लोकेशन और है। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पीछे वाले रास्ते से हम वापस आए हैं। हमने स्टार्ट किया था इधर साइड से, घूम के इधर पूरा गए थे, उसके बाद घूम घाम के इधर से पीछे से आए। इस फ़ोन में क्या हो गया, अभी मेरी बैटरी भी डिस्चार्ज है, सो मैं इसको चार्ज करूँगा एंड देन अपना नया लोकेशन स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे जाएंगे अपन। देते गए हाँ। अभी हम कार इलीगल वे में पार्क करने के बाद जा रहे हैं एक लोकेशन पे, जो हमने फाइंड आउट किया, हम श्योर भी नहीं है कि वो लोकेशन सही है ना, गूगल बता रहा था, गूगल के हिसाब से जा रहे हैं। स्टेपिंग स्टोन है और काफी अच्छा फोटोज में लगा है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं, देखता हूँ कि वो सही लोकेशन होता है कि नहीं होता है। एक चीज देखो, इसका नाम सिंघा रखूंगा, सिंघा। गूगल ने धोखा दे दिया है ना, हमें गूगल ने धोखा दे दिया, ये एरिया प्राइवेट है, यहाँ से रास्ता दिखा रहा है। हम वापस हम वॉक करेंगे, वापस हो जाएंगे।